अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, आज जो हमारी इंग्लिश वीक की वर्किंग है उसमें हमने ऐसे करना है, माई स्कूल मेरा स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने पेज पे अच्छे से हैंड राइटिंग या डेटा नेम मैंशन करनी है, सब्जेक्ट मैंशन करना है और जो आपका टॉपिक है वो मैंशन करना है. और उसके बाद आप लोगों ने बबल बनाना है. बबल्स में बना के आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट हेडिंग दी हुई है वो मैंशन करनी है, जैसे प्ले ग्राउंड, 40 फैंस, ग्रैंड बोर्ड, टीचर, स्टूडेंट एंड रूम. स्टूडेंट्स, ये बबल इसलिए बनाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग इसलिए लिखवाई जाती है ताकि अगर आप लोगों को कोई लाइन भूल जाए तो आप इन वर्ड से जो है वो हेल्प ले सकें. अब हम अपना ऐसे देखेंगे. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने जो है वो टॉप ऐसे राइट करना है और ऐसे का नेम. फर्स्ट लाइन है हमारे पास, आई रीड इन पैराडाइज मॉडल हाई स्कूल. मैं पैराडाइज मॉडल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ. आपने स्कूल का जो फर्स्ट लेटर है वो आप लोगों ने कैपिटल लिखने. इट हैज़ 40 रूम्स, इसके 40 कमरे हैं. रूम्स मीन कमरे. ऑल द रूम्स आर एरी, तमाम कमरे जो हैं वो हवादार हैं. इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, इसमें जो है बहुत बड़ा खेल का मैदान है, ये एक बहुत बड़ा खेल का मैदान रखता है. इट हैज़ अ लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरी है. दे आर 25 टीचर्स के, यहाँ पर 25 टीचर्स हैं. ऑल द टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, जो तमाम जो टीचर्स हैं वो हार्ड वर्किंग हैं. उसके बाद ऑल द टीचर्स आर ट्रेंड. इट हैज़ अ ग्रैंड बिल्डिंग. आई लाइक माई स्कूल वेरी मच. स्टूडेंट्स, इसकी 10 लाइन्स हैं. इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर राइट करना. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन और इसको लर्न भी करना है. ठीक है, थैंक यू.